900 के आसपास थे, अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है। हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 14,000 किलोमीटर थी, अब ये बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अगले 4-5 साल में भारत में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, यानी भारत के नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, आज भारत का जोर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर है। ईएनपी सेक्टर ने उन इलाकों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो इनएक्सेसिबल समझे जाते थे। आपकी इन भावनाओं को समझते हुए हमने नो गो एरियाज में कमी की है। इससे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया नो गो की पाबंदियों से मुक्त हुआ है। अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो नो गो एरियाज में भी ये कमी 98% से भी ज्यादा है। ये सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि आप इन अवसरों को इस्तेमाल करिए, फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजट में हमने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाने का ऐलान किया है। इसमें 200 कॉम्प्रेट बायोगैस प्लांट्स और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स शामिल है। इसमें भी आप सभी के लिए हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बनने वाले हैं। साथियों, एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण विषय
ईवीएस की बैटरी कॉस्ट का भी है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कॉस्ट 40 से 50% तक होती है, इसलिए इस दिशा में हमने 50 गीगावाट आवर्स की एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएलआई स्कीम शुरू की है। देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर है। फ्रेंड्स, भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने एक सप्ताह पहले आए बजट में और मजबूत किया है। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और एनकरेज किया गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे गए हैं, ताकि एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स को बल मिले। बजट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलार और रोड जैसे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी। साथियों, 2014 के बाद से ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और भारत के प्रयास पूरी दुनिया को देख रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 70 गीगावाट से बढ़कर करीब 170 गीगावाट हो चुकी है। इसमें भी सोलर पावर कैपेसिटी 20 टाइम्स से ज्यादा बढ़ी है। आज भारत विंड पावर कैपेसिटी के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पर है। हम इस दशक के अंत तक 50% नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम बायोफ्यूल पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यानी E20 भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। साथियों, आज भारत में एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जो मास मूवमेंट चल रहा है वो अध्ययन का विषय है। ये 2 तरीके से हो रहा है। पहला, एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स का तेज गति से एडॉप्शन कर, और दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों का एडॉप्शन भारत के नागरिक आज बड़ी तेजी से एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को अपना रहे हैं। सोलर पावर से चलने वाले घर, सोलर पावर से चलने वाले गांव, सोलर पावर से चलने वाले एयरपोर्ट,
सोलर पंप से हो रही खेती, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीते 9 वर्षों में भारत ने अपने 19 करोड़ से ज्यादा परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल से जोड़ा है। आज जो सोलर कुकटॉप लॉन्च किया गया है, वो भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलर कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर कुकटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही है। साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं।